हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राज एजुकेशन सेंटर। आइए सीखते हैं यहाँ पर एलजेब्रा की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो लास्ट तक हमारे वीडियो पर बने रहें और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए कितना 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस इंटू यहां पर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 9। ये मैंने क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई की है, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्म में मैंने इसको यहाँ पर एक्सपेंशन किया है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आपका जो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस x 1 अपॉन x स्क्वायर, ये आपका x से x कैंसिल हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू 9। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 2, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 7, जो कि हमें यही इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना था। लेकिन हम अब शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से हमें किस तरह से आंसर इसका निकालना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से आपका सेम आंसर आएगा। हमें क्या करना है, जो अभी तक मैथमेटिक्स में पढ़ा था हमने मल्टीप्लीकेशन साइन का, तो वो क्या होता है, प्लस इंटू प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वैल्यू प्लस आती है, और माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आपकी माइनस प्लस आती है, और उसके बाद में माइनस इंटू प्लस का करते हैं तो माइनस आता है, और प्लस इंटू माइनस का करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, आपका माइनस आता है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसका जस्ट अपोजिट, मुझे पता है कि हम उसको अपोजिट पढ़ा रहे हैं लेकिन आंसर आपका इसी तरह से आएगा। यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और प्लस, ये मैंने बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर पढ़ाया है। लेकिन आपको इस ट्रिक में, इस क्वेश्चन में आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेना है, प्लस माइनस यहाँ पर 2। अब आप देखिए कि यहाँ भी आपको प्लस दिया हुआ है, यहाँ भी आपको प्लस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, ये जो n की वैल्यू है ये आपका 3 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3 के स्क्वायर, और यहाँ साइन कौन सा लेंगे, क्योंकि प्लस और प्लस दिया हुआ है, प्लस और प्लस का मल्टीप्लीकेशन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ प्लस दिया हुआ है, लेकिन हमें कौन सा लेना है कि माइनस लेना है, तो माइनस यहाँ पर करेंगे और 2 लिख देंगे जो हमारा वैल्यू पे दिया हुआ है। अब इसके बाद आंसर आपका आएगा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, जो मैंने आपको इस लॉन्ग मेथड से बताया था वही आपका सेम आंसर आया है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी आप लॉन्ग मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई करते हैं तो n स्क्वायर प्लस माइनस मैंने बताया था यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है, और मैंने साइन भी बताया था कि यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है और यहाँ प्लस दिया हुआ है, इन दोनों साइन को अगर हम लेते हैं तो माइनस इंटू प्लस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है माइनस होता है, लेकिन हमें कौन सा साइन लेना है, प्लस साइन लेना है। तो यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर प्लस का 2, और n की वैल्यू आपकी दी हुई है 3 के स्क्वायर प्लस 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपका आंसर बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपका सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसी तरह से, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। हमने अभी तक x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, अब हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब। तो इसके लिए सिंपल एलजेब्रा की जो शॉर्ट ट्रिक है वो कौन सी शॉर्ट ट्रिक है, n क्यूब प्लस माइनस 3n, वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, 2 लेंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 2 का क्यूब, और साइन कौन सा आएगा,
माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, लेकिन हमें कौन सा लेना है, प्लस लेना है, तो हमने यहाँ पर प्लस लिखा और 3 × 2 लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8 हो जाता है और प्लस 3 × 2 = 6 कितना हो जाएगा 14। ये आपका आंसर आएगा बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से, मैंने यहाँ पर बताया है एक्स की पावर 4 + 1/x^4। अब देखिए यहाँ पर जो पावर है वो भी आपकी 4 हो गई है, x पावर 4 + 1/4 हो चुका है। तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला, इसका कौन सा फार्मूला है सिंपल ट्रिक्स का, आपको जो मैंने फार्मूला बताया था एक्स स्क्वायर वाला, उसी को आपको अप्लाई करना है, जो क्योंकि इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये आपका इस तरह से बन जाएगा 1/x^2 इस तरह से। तो यहाँ आपको फार्मूला वही लगा देना है, प्लस माइनस n² + -2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें लगाइए तो n² + -2, n की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और प्लस और माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पर प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पर माइनस साइन लेंगे तो माइनस लिया और यहाँ पर 2 लिख दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 - 2 = 7। लेकिन अब अगला जब हम ये तो n स्क्वायर पर लगा दिए क्योंकि n की पावर 4 दिया हुआ है, तो एक बार हम इसे और लगाएंगे n² + -2। अब n की वैल्यू हम यहाँ पर ये 7 लेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू क्या लेंगे 7 लेंगे, n² + -2 दिया हुआ है और n की वैल्यू यहाँ पर हमें 7 लेना है। 7 इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पर आपको जो आंसर आया है 7 आया है, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है किसकी, x^4 + 1/x^4 की। तो साइन इसका कितना आएगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो माइनस यहाँ पर साइन आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 49 - 2, तो ये इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 47। ये आपका सिंपल मेथड से, शॉर्ट ट्रिक्स से ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन एल्जेब्रिक मैथमेटिकली में अगर आता है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स इसी तरह से आपको अप्लाई कर देना है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई भी डाउट और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन भी अगर नहीं भी आता है तो आप क्वेश्चन आप टाइप करें, उसका आंसर आपको ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा, क्विकली मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच और विश यू ऑल।